And we are still on the news that Aam Aadmi Party has expelled their, their rebel MLA has been expelled. Vinod Kumar Binida, MLA from Lakshminagar, has been suspended by the disciplinary committee, and his primary membership has also been terminated. Vinod Kumar Binida, remember, has spoken a lot against Arvind Kejriwal. He was with us just a while back, and he said that Arvind Kejriwal is an autocrat. Joining me now is Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party. Sanjay ji, disciplinary committee ne aaj faisla le liya hai Vinod Kumar Binni ko bahar nikalne ka? जी हाँ, मुझे अभी जानकारी मिली है, उनको पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। अब वो लगातार पार्टी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, लगातार ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार 21-22 दिनों में जितना काम किया है उसने, दिल्ली के अंदर देश की कोई भी सरकार ने आज तक इतना काम अपने घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए नहीं किया। और उसके बावजूद आप अनावश्यक ढंग से अगर सरकार के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो इसका मतलब कि आपकी मंशा पर संदेह होता है जी। और इसके कारण से आज अनुशासन समिति ने फैसला लिया है जांच करके कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। संजय जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि किन किन बिंदुओं पे क्या किस तरीके की बिन्नी ने जो काम जो जिस तरह के सवाल उठाए हैं, क्या क्या मेन मुद्दे थे जिनके ऊपर से पार्टी को लगा कि उन्हें अब पार्टी से निकाल देना चाहिए? देखिए, जब आप एक पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के विधायक हैं, आप पार्टी फोरम के अंदर अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आपको किसी बात पर आपत्ति है, कोई काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक तो पब्लिकली जाके प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न कौन से उठा रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? बिजली का वादा हम लोगों ने किया था, उसको बिजली का दाम आधा हुआ। पानी का वादा किया था, पानी 670 लीटर मुफ्त किया। सीएजी ऑडिट कराने की बात कही गई थी, उसको किया। 5,500 ऑटो वालों को लाइसेंस दिया जी। करप्शन के खिलाफ एक बाकायदा हेल्पलाइन जारी हुई है दिल्ली के अंदर जी। जन लोकपाल बनाने की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ चल रही है, वो फरवरी में उसको पूरा किया जाएगा। दिल्ली में रैन बसेरा के इंतजाम किए गए। तो कितना लगातार काम कर रही है एक सरकार। संजय जी, बिन्नी अभी जैसे ही हमारे पास खबर आई, उस वक्त बिन्नी हमारे साथ थे खुद फोन लाइन पर। अरविंद केजरीवाल को दोबारा टारगेट किया, कहा कि वो एक तानाशाह हैं, वो किसी और की बात सुन नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल के ऊपर खासतौर से नाराजगी है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तानाशाह उनके कहने से थोड़ी हो जाएंगे। एक व्यक्ति अपने क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपने कर्मों से आज इस ऊंचाई तक पहुंचा है, और उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग किया है। तो आप अनावश्यक ऐसे प्रश्न उठाते हैं। उनकी ईमानदारी पे कभी कोई संदेह नहीं कर सकता, उनकी निष्ठा पे, उनके कार्यशैली पे जी। लगातार जो आदमी दिन रात जनता के लिए काम कर रहा है, महिला जिंदा जलाई गई दिल्ली के अंदर, कानून व्यवस्था की स्थिति बदली, तो एक मुख्यमंत्री जो इस ठंड में पूरी रात सड़कों पे बिता सकता है अपने एमएलए के साथ और कैबिनेट के साथ जी। आप उसकी कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा पे कहीं ना कहीं संदेह होता है, कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि किस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं। संजय जी, एक सेकंड हमारे साथ बने रहिए। वीके मल्होत्रा ऑफ द बीजेपी इज नाउ जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन ऑन दिस स्टोरी। मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू हेडलाइंस टुडे। सर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन बिन्नी बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि आप पार्टी में जितने ये लोग हैं, धीरे धीरे सारे इनका साथ छोड़ जाएंगे। राष्ट्रपति ने इनको कंडेम किया है, इन्होंने संविधान को तोड़ा है, इन्होंने कानून को तोड़ा है, इन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर सवाल उठाए हैं, इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। सुबह एक बात करते हैं, शाम को एक बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि मैं तो रिपब्लिक डे जो है ये भ्रष्टाचारी लोगों के ताली बजाने के लिए किया जा रहा है, और ये खुद आज बैठ करके वहां ताली बजा रहे थे सर। और आज वहाँ सिक्योरिटी लेकर के गए हुए थे, आम आदमी नहीं बैठे थे वहीं, वहाँ पर जो मिनिस्टर सारे बैठते वहाँ बैठे हुए थे। और इसके बाद इन्होंने जिस ढंग से आज तक सारा काम किया है, और सोमनाथ भारती को जैसे डिफेंड करते चले जा रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार आदमी आप पार्टी में रहेगा। धीरे धीरे ये पार्टी टूट जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, आम आदमी पार्टी इज मेकिंग एलिगेशंस दैट दिस हैज बीन अ मूव बाय द बीजेपी। बिन्नी वाज इन टच विद सम बीजेपी लीडर्स। If Binni decides to join the BJP, are you open for it? पहले तो बिन्नी को तय करने दीजिए कि अगर वो पार्टी ज्वाइन करने की बात करेंगे तो पार्टी जरूर इस पे विचार करेगी।
बट आर यू ओपन, यू आर ओपन टू द आइडिया ऑफ बिंगी जॉइनिंग द बीजेपी सर? कोई भी एमएलए पार्टी में आना चाहेगा तो उसके हमें खुशी होगी, परंतु अभी पहले तो उनको तय करना चाहिए। अगर वो पार्टी में आने की बात करते हैं और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टी इस पर सहानुभूतिपूर्वक जरूर विचार करेगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आई एम गोइंग बैक टू संजय सिंह। संजय जी, वीके मल्होत्रा जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि अगर बिन्नी हमारे साथ आना चाहते हैं, पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी जरूर विचार करेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है बीजेपी की साजिश है और अब वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है? तो अब इसमें कुछ आपको संदेह लग रहा हो तो आप बताइए। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि न्योता है, निमंत्रण है, आप बिल्कुल स्वागत है और वो देखिए एक दो दिनों में क्या होता है। बहरहाल इसका सवाल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाए या कांग्रेस पार्टी में जाए या किसी और पार्टी में जाए, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक अनुशासन है, उसके हिसाब से पार्टी चलेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे संजय जी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है अब आम आदमी पार्टी की सरकार को खतरा रहेगा? एक एमएलए और कम हो गया, अब 27 रह गए आप लोग। देखिए अंकित जी, जिस आदमी को सत्ता का लोभ होता है, जिस आदमी को सत्ता में बने रहने की बहुत हवस होती है, वो इन बातों की चिंता करता है। हम आम आदमी के काम कर आम आदमी के लिए काम करने के लिए आए हैं। 18 मुद्दों पर हमारी प्रतिबद्धता है, जिसकी घोषणा हमने किया था सरकार बनाने से पहले, हम उसके लिए काम करेंगे। सरकार रहती है या जाती है, ये पहले दिन से शपथ ग्रहण के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। तो जब हम लोगों ने पहले दिन से लाइन बना रखी है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। सवाल यह है कि अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आलोचना करने में लोग जुट गए हैं। बीके मल्होत्रा जी और उनकी पार्टी जिस्म फरोसी और नशाखोरी के धंधे के भी समर्थन में उतर आई है आम आदमी पार्टी का विरोध करने के लिए। जी जी, गणतंत्र दिवस का सम्मान और संविधान का सम्मान हमें वो लोग सिखा रहे हैं जिनके एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे और मस्जिद गिरा दी गई। ये लोग आज जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाला करते हैं वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस कैसे मनाना चाहिए। हमारी पूरी आस्था है गणतंत्र दिवस में, हम इस देश के गणतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और हम आम आदमी के लिए इस पार्टी को हम लोगों ने बनाया है उसके लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच संजय सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस ब्रेकिंग स्टोरी। विनोद कुमार बिन्नी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी एंड यू हर्ड संजय सिंह देयर दैट द आम आदमी पार्टी इज नॉट वरीड अबाउट whether they lose the government or not. They wanted to send a very strong message. But interestingly, V.K. Malhotra, senior BJP leader who also joined us, said that the party, the BJP, will think over if Vinod Kumar Bini wants to join them as an MLA. Remember, Vinod Kumar Bini has been expelled from the party. He keeps his membership of the assembly. He will still remain an MLA. And now it is up to him whether he joins the BJP or not. Allegations have from the Aam Aadmi Party that it was a script written and directed by the BJP.